गुड मॉर्निंग एवरीवन। रोज की तरह मेरी सुबह हो चुकी है और अपने आने वाले दिन के लिए मैं रेडी होने वाला हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आजकल मैं थोड़ा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में लगा हुआ हूँ, तो मैंने सुबह की शुरुआत आज कुछ कार्ब्स और प्रोटीन से की। ये बड़ा ही क्रांतिकारी सा पीनट बटर है विद जेली, ये हल्दी वाला दूध और ये है मल्टी ग्रेन ब्रेड विद पीनट बटर एंड चीज। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब कट करने के बजाय ऐड क्यों कर रहा हूँ अपने डाइट में। उसका रीजन ये है कि मुझे जो इंटेंस ट्रेनिंग करनी है उसके लिए थोड़े से कार्ब्स और थोड़ा ज्यादा प्रोटीन चाहिए। 25-25 ना? तो आप समझ ही गए होंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेल, आज के व्लॉग में मैं आपसे एक बहुत स्पेशल सी कहानी शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग जानना चाहते थे हमारी जर्नी ऑफ लव के बारे में, जो मेरी और प्रियंका की एक जर्नी रही है फर्स्ट मीटिंग से लेके हमारी शादी तक, और अब जब हमारे घर में एक नया मेहमान आने वाला है। वेल, जैसा कि आप में से बहुत लोग जानते होंगे, मेरा एक बहुत पॉपुलर कॉमेडी शो था नादानिया, और उसके कुछ एपिसोड्स मैंने लिखे थे। एक सीज़न था जिसका नाम था फिर ये नादानिया, तो उसके कुछ एपिसोड्स लिखे थे मैंने, और उन एपिसोड्स में एक बहुत ही स्पेशल एपिसोड था जो कि उस सीज़न का लास्ट था और आखिरी दिन था हमारी शूटिंग का। तो कहते हैं कि कभी कभी आप अपनी ज़िंदगी अपनी कहानी में लिख देते हो, या अपनी लाइफ अपनी कहानी में लिख देते हो। तो मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट थी वो कहानी, बिकॉज उस एपिसोड में जो एक लड़की का किरदार था, जो एक लड़की आने वाली थी और ऑलमोस्ट फाइनलाइज थी पहले से ही, उसने लास्ट मिनट बैकआउट किया, और हमारे पास ऑप्शंस बहुत कम थे इतनी जल्दी शूट पे हम किसी को ला पाए। तो हमारे यूनिट में से एक हमारे क्रिएटिव ने नाम सजेस्ट किया प्रियंका का, और फिर हम लोगों ने उसके पुराने जो एक दो जो उसने काम किए थे अच्छे वो देखे, और वी डिसाइडेड कि हम इनको बुला लेते। तो वही थी पहली मीटिंग हमारी, और पहली मीटिंग में प्रियंका मुझे बहुत डरी हुई सी लगी, क्योंकि उसने बताया मुझे कि वो पहला उसका कॉमेडी शो था और उसने तब तक बहुत ज़्यादा काम किया नहीं था। तो मेरा ये मानना है कि अगर कलाकारों में थोड़ा सा कंफर्ट हो, थोड़ा सा बातचीत हो, तो उनको काम करने में आसानी होती है। तो आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हर, मैंने थोड़ी सी उससे नॉर्मल बातें की, उसके बारे में, उसके घर वालों के बारे में पूछा, तो उसने मुझे बताया कि वो भी मेरी तरह यूपी की फैमिली से है, और उसके डैड भी फोर्स में थे, एयरफोर्स में, जैसे मेरे डैड मिलिट्री में थे, और अभी उसके डैड खुद प्रैक्टिस करते हैं, अभी डॉक्टर हैं। तो ये सब बातें हुई, और कहते हैं कि महादेव की बैरिंग के आगे तो कुछ चलता नहीं। तो उस दिन कुछ तबीयत नासाज नहीं थी, मतलब हल्का ज़ुकाम खांसी थी मुझे, तो उसने अपने डैड को फ़ोन करके कोई दवाई भी पूछ के बताई मुझे। अब मुझे ये बहुत अच्छा लगा, और जैसे कि मैंने कहा, कुछ देर हम लोगों की बातें होने के बाद शी वॉज़ ऑल्सो कम्फर्टेबल, और बहुत ही फनी एपिसोड था, बहुत अच्छा एपिसोड आया वो। बस उसके बाद हम लोगों की कुछ ऐसी कोई खास कभी बात नहीं हुई, हम लोग कुछ 1-1.5 महीना तक सिर्फ सोशल मीडिया पे टच में थे। प्रियंका को क्या प्यारा लगा वो तो मुझे नहीं मालूम, मुझे उसकी स्माइल बहुत प्यारी लगी थी, इसी में फंसा हुआ था। देन वन डे हम लोगों ने डिसाइड किया कि किसी पब्लिक प्लेस में, किसी रेस्टोरेंट या कहीं पर मिलते हैं, और मैं अपना जो हेल्पर था उसके साथ मैं गया था मिलने के लिए। एक मेरा बड़ा फेवरेट सा जॉइंट है जहाँ पे ये नॉर्थ इंडियन फूड जलेबियाँ स्पेशली बहुत अच्छी मिलती हैं, तो वहीं पर पहली बार मिले, और जैसा कि मैं बोल रहा था कि
महादेव की प्लानिंग, तो कुछ वैसा ही शायद प्लान्ड था पहले से। तो जैसे हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ कुछ कैंडल लाइट सेटअप था और जितनी भी फैमिली जितने भी लोग बैठे थे वहाँ पे, सब लोगों के टेबल पे कैंडल लाइट लगी हुई और हम तीनों के टेबल पे भी कैंडल लाइट लगी हुई थी, जो कि बड़ा ऑकवर्ड सा मोमेंट था क्योंकि मैं, मेरा बॉय और प्रियंका तीनों ही हम एक दूसरे से बात करने में बहुत संकोच कर रहे थे। तो थोड़ी देर बाद जो मेरा हेल्पर है वो अपने मोबाइल में कुछ मैसेजेस या कुछ बिजी हो गया, तो हम लोगों ने थोड़ी बातें शुरू की, जलेबियाँ खाई काफ़ी, मतलब हम लोगों की जो मुंबई आने की जर्नी थी उसके बारे में बात की हम लोगों ने, करियर के बात की। उसके बाद हम लोग काफ़ी दिन तक मिले नहीं, लेकिन हम लोगों की फ़ोन पर बातें शुरू हो गई थी और एक पॉइंट पे हम लोगों ने डिसाइड किया कि विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, क्योंकि हम लोगों की काफ़ी बातें मिलती हैं, काफ़ी संस्कार और हमारे घरों की बैकग्राउंड और हमारे जो मॉम डैड भी हैं वो भी, जैसे प्रियंका की मॉम एक हाउसवाइफ हैं, डैड फोर्स में थे, मेरे भी डैड फोर्स में थे, मॉम हाउसवाइफ हैं, और बहुत सारी बातें हमारी मिलती थी, सोच मिलती थी। तो विदाउट एनी डीले हम लोगों ने अपने मॉम डैड से एक दूसरे की बात करना, बस उसके बाद हम लोगों ने एक रोका किया मेरे भैया भाभी की प्रेजेंस में, नीलम भाभी और सौरभ भैया की प्रेजेंस में। ये हमारे कुछ रोके के पिक्चर्स जो कि मेरी, प्रियंका की और भैया भाभी की पूरी फैमिली साथ में थी। और रोके के बाद भैया भाभी हम सबको डिनर पे लेके गए थे एक बहुत ही स्पेशल थाली रेस्टोरेंट में। और प्रियंका से मैंने शेयर किया कि मुझे गोवा में ही शादी करनी थी हमेशा से, एंड शी ऑल्सो अग्रीड। हम लोगों ने गोवा में डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए एक रिजॉर्ट फाइनल किया और वहीं पे हमारी एक ब्यूटीफुल सी ड्रीम कम ट्रू वेडिंग हुई, और उसके आगे की कहानी तो आप सभी को मालूम है। एंड नाउ हमारी फैमिली एक्सटेंड होने वाली है और एक नया मेहमान आने वाला है, जैसा कि लास्ट व्लॉग में प्रियंका ने आप सभी को बताया। तो यही थी हमारी प्यार की जर्नी, जर्नी ऑफ लव, और यही थी हमारी शादी तक की कहानी। आप में से काफ़ी लोग जानना चाहते थे कि जो लव मैरिज करना चाहते हैं या जिनके घर वाले नहीं मान रहे हैं, उनके लिए मेरी क्या सलाह है। यार मेरी सलाह यही होगी कि देर इज़ नेवर अ गुड टाइम टू गेट मैरिड, शादी करने का कोई सही समय नहीं होता। तो मेरे हिसाब से जब भी आपको सही पार्टनर मिले, आप लोग एक दूसरे को सोच समझ सकें, एक दूसरे की फैमिली को समझ सकें और आपको लगे कि आप एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, तो देर ना करें। फैमिली के अगेंस्ट जाने को मैं कभी नहीं बोलूँगा, क्योंकि रिश्ता सिर्फ दो लोगों के बीच का नहीं, जैसा कि फिल्मों में बताया जाता है, दो परिवारों के बीच का होता है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखें और बहुत खुश रहेंगे आप अगर आपके मॉम डैड खुश हैं। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल सा मैसेज मेरे एक बहुत स्पेशल दोस्त और मेरे और प्रियंका के बहुत स्पेशल वेल विशर की तरफ से, जो मुंबई में हमारी एक छोटी सी दोस्तों की या एक छोटी सी जानकारों की फैमिली है, उस फैमिली में एक बहुत इम्पॉर्टेंट कपल है हमारी लाइफ में, अनिरुद्ध और शुभी। तो अनिरुद्ध जो कि अभी अक्षय कुमार के साथ एक अपकमिंग फिल्म बेल बॉटम के लिए शूट कर रहा है लंदन में, उसने स्पेशली हम लोगों को बधाई देने के लिए एक मैसेज भेजा है वहाँ से और कुछ कहा है आप लोगों के लिए भी। प्लीज़ सुनिए और उसके बाद मैं आपसे शेयर करूँगा कुछ हमारी इस जर्नी के पिक्चर्स, हमारे मोमेंट्स और हमारी लाइफ। कॉर्नर ऑन यूट्यूब, अमेजिंग कॉर्नर, अमेजिंग कंटेंट, ब्यूटीफुल एंड लवली वीडियोज दैट वन शुड वॉच इट। गाइज आप लोग भी सब्सक्राइब करें, देखें इतने प्यारे से कॉर्नर में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं, अच्छे अच्छे वीडियोज हैं, अच्छे अच्छे व्लॉग्स हैं, जिन्हें आप देखेंगे तो यू विल श्योरली एंजॉय एंड यू विल गेट लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी इन दैट। टेक केयर, बी ब्लेस, कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रियंका वंस अगेन। काके थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, मॉम डैड के साथ पहला पिक्चर था ये प्रिया का,
और ये प्रिया का पहला बर्थडे जो हमने साथ में सेलिब्रेट किया था, और इसी में आया था हमारे घर बलू बलू सेन बर्नार्ड, एक छोटा सा हमारे फैमिली का मेंबर है, और प्रियंका के बर्थडे पे इसको लेकर आया था मैं। उसके बाद से ये हमारे रिश्ते के साथ ग्रो हो रहा था। ये है गोवा के कुछ पिक्चर्स, और ये है प्रियंका का वेडिंग गाउन। ये शादी के बाद हमारे घर के कुछ पिक्चर्स हैं। ये हमारा पहला ट्रिप बलू के साथ, हम बलू को लेकर महाबलेश्वर गए थे। दिखने में बहुत बड़ा है लेकिन एकदम बच्चा समझता है अपने आप को, और ऐसी गोद में सो जाता है। यार आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।